So, hello students, today we are going to study class 8, social science chapter 2nd, part 2. So, earlier in the previous lecture, we have completed till the causes of the Maratha failure. Till here, we have completed. Now, we have to go from here to down. So, I hope you have read this chapter once again. And I request all of you to take out your books and read side by side with me. So, let's start. The Rise of the Independent Empire. सून ऑन द डिक्लाइन ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ डेली द प्रोविंस ऑफ अवध बंगाल एंड मायसूर ऑल्सो केम इन टू एक्जिस्टेंस एज द रिट एज द रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ देयर गवर्नर्स तो अवध खान सो जैसे ही दिल्ली में जो सरकार थी वो कमज़ोर पड़ने लगी तो छोटे छोटे जो साम्राज्य थे जैसे जो गवर्नर चलाते थे उन लोगों ने विद्रो करके अपना राज बना दिया जैसे अवध बंगाल और मायसूर ठीक है तो अवध की कहानी पढ़ते हैं तो अवध के कहानी में सबसे पहला नाम आता है सादत खान का सादत खान वाज द गवर्नर ऑफ अवध इन 1722 ही वाज़ द कैपेबल सोल्जर एंड एबल रूलर ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन इन लॉ सफदर जंग हु वाज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर ही बिकम द नवाब ऑफ अवध इन 1739 थर्टी नाइन ऑन अकाउंट ऑफ हिस वैल्यूबल असिस्टेंस एंड सपोर्ट ही बिकेम अ क्लोज एसोसिएट ऑफ मोहम्मद शाह हु लेटर मेड हिम द गवर्नर ऑफ कश्मीर During the last year of Muhammad Shah, Safdar Jang gained complete control of the administration machinery of the Mughal Empire. However, court politics prevented him from taking full control and he was dismissed in 1753. He returned to Awadh and died in 1754. His son Suja Uddala succeeded him. Suja Udawla ruled witnessed significant political change. He died in 1775 and was succeeded by his son असफ उदौला सो so, अपन अब जो पढ़ने जा रहे हैं अवध के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो अवध एक बहुत बड़ी जगह थी जो कि गवर्नर प्रोविंस चलाते थे कौन चलाता था सादत खान चलाता था कौन, किसके सवर्न में मतलब वो ये मानते थे कि मुगल मुग़ल जो रूलर है वो हमारे हेड है ये बोल के वो सरकार चलाते थे मगर धीरे धीरे वो लोग क्या करते थे जैसे ही कमज़ोर होती थी ऊपर मुग़ल सरकार वो अपने आप को उससे इंडिपेंडेंट करके अकेला खुद का एक साम्राज्य बना लेते थे तो इसमें ही सबसे पहला नाम आता है सादत खान का जो कि गवर्नर थे अवध के सेवनटीन में वो ये पहले एक सोल्जर थे और धीरे धीरे इनने रूलर बनने की कोशिश करी ठीक है फिर इसके बाद आए सफदर जंग जो कि इनके सन इन लॉ थे ठीक है ये भी एक बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे तो फिर क्या हुआ अब ये नवाब बने अवध के 1739 में कब 1739 में अवध के नवाब बने ठीक है और इनका वैल्यूबल सपोर्ट वगैरह ये भी मोहम्मद शाह एक रूलर थे जो कि इंडिया के एक रूलर थे मोहम्मद शाह अभी तो अपनी अवध की बात कर रहे हैं इंडिया पूरा कौन रूल करता था मुग़ल एम्पायर सो मुग़ल एम्पायर जब रूल करते थे तो एक राजा था औरंगजेब के बाद आया था कुछ टाइम बाद मोहम्मद शाह तो उसके अंडर काम करता था ये सफदर जंग ठीक है सो so, उनको जब मोहम्मद शाह बहुत पसंद करते थे इसलिए उनको लेटर ऑन गवर्नर बना दिया कश्मीर का ठीक है तो मोहम्मद शाह के टाइम पे सफर जंग की बहुत जो भी मतलब धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ता गया एडमिनिस्ट्रेशन में कि उनकी ना हर जगह दखल बढ़ता गया वो हर जगह दखल करने लगे और मोहम्मद शाह जैसे उनको पसंद करते थे तो उनका एक तरीके से हर तरीके से वो रूल करते थे मगर क्या हुआ कि जो उनके कोर्ट में मुगल राजा के मोहम्मद शाह के कोर्ट में जो लोग थे वो सब सफदर जंग को पसंद नहीं करते थे जिसके कारण वो फुल कंट्रोल नहीं कर पाए और लेटर ऑन उनको डिसमिस कर दिया गया कब करा गया फिफ्टी में सेवनटीन में ठीक है उसके बाद क्या हुआ उनको अवध वापस भेजा गया और फिर फिफ्टीन सेवनटीन फिफ्टी फोर में वो ख़त्म हो गए फिर उसके बाद आया उनका बेटा सूजा जो कि सक्सीडेड बाय uh, मतलब सक्सीडेड बाय का मतलब होता है कि इनके बाद कौन आया ठीक है तो सफर uh, सफदर जंग के बाद आए थे सूजा उद्दौला सूजा उद्दौला का जो रूल था पॉलिटिकल चेंजेस के साथ आया था फिर सूजा सेवनटीन सेवेंटी फाइव में ख़त्म हुए और हुआ सक्सीडेड बाय है सन असफ उद्दौला ठीक है तो उनके बेटे थे सूजा उद्दौला के बाद आए उनका नाम था असफ उद्दौला फिर अपन पढ़ते हैं बंगाल के बारे में ठीक है सो बंगाल एट द टाइम ऑफ औरंगजेब डेथ मुर्शिद कुली खान वाज इन चार्ज ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल इन 1717 सेवनटीन एम्पर फुक्कर शेयर मेड हिम द गवर्नर ऑफ बंगाल दिस वाज जस्ट अ फेस सेविंग डिवाइस बिकॉज इन नेचुरल फैक्ट मुर्शिद कुली खान रूल्ड इंडिपेंडेंटली एंड ओड ओनली नॉमिनल एलिजेंस टू द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग हिस रेन

ठीक है इनने इनको क्या किया गवर्नर बना दिया बंगाल का ठीक है अब धीरे धीरे अपन ने जैसा जैसे देखा कि औरंगजेब के बाद जो राजा आए थे वो सब कमजोर पड़ गए थे तो इसको देखते हुए इनने वहाँ पर अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और बस एक छोटा सा एलिजेंस एलिजेंस मतलब अपना रिस्पेक्ट ठीक है छोटा सा रिस्पेक्ट रखा मुगल एम्पायर के लिए कि अब हम ज़्यादा आपको इज्जत नहीं देंगे बस थोड़ा सा नाम मात्र की इज्जत देंगे और हम अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर रहे हैं यदि औरंगजेब होता जो कि बहुत पावरफुल था ऐसा कभी होने नहीं देता मगर उसके बाद के जो भी रूलर थे वो कम पावरफुल थे ठीक है सो ड्यूरिंग हिज रेन द प्रोविंस फ्लरिश्ड सो बंगाल का जो एरिया था इस समय में बहुत फ्लरिश हुआ ठीक है इनमें अपना ग्रोथ ट्रेड में भी बहुत ग्रोथ हुआ और प्रॉस्पेरिटी भी बहुत सारी आई इस समय फिर आगे बढ़ते हैं इसमें आफ्टर हिज डेथ इन सेवनटीन ट्वेंटी सेवन ई व सक्सीडेड बाई सन इन लॉ सूजत दौला मोहम्मद खान who improved the administration and restored the state of its finance but due to his wise power slipped into the hand of his advisor, haji ahmed alam chand and jagat set suja Dala died in 1739 his son sarfaraz khan became the next ruler but he was also neglected the administration finally the brother haji Amar ali wardi khan the deputy governor of bengal captured the seat of bengal in 1740 सरफ सरफराज खान वॉज़ डिफीटेड एंड किल्ड इन द बैटल सो यहाँ पे आफ्टर हिज डेथ किसकी डेथ मुर्शिद कुली खान की डेथ कब हुई थी सेवनटीन टवेंटी सेवन में उनके सन इन लॉ ने उसकी जगह ली सूजत उद्दला सूजत उद्दीन मोहम्मद खान उनका नाम था ने उस समय अपना एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी फाइनेंस थे मतलब जो पैसे वगैरह का जो भी था और एडमिनिस्ट्रेशन था उन सब में बहुत सुधार करा और उनके अच्छे कामों के वजह से उनका पूरा एरिया अच्छा चला मतलब उस जमाने में उनकी बड़ी तारीफ़ होती है कि उस टाइम पे सूजा सूजाउदुल्लाह के टाइम पे सूरजा उद्दिन के टाइम पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था बट ड्यू टू हिज वाइज एंड पावर स्लिप्ड इन टू हैंड्स ऑफ हिज एडवाइज़र सो उसके एडवाइज़र के हाथ में उसकी पावर चले गई कौन थे उनके एडवाइज़र हाजी अहमद आलमचंद और जगत सेठ सो so, फिर क्या हुआ सूजा दा, दिन डाइड इन सेवनटीन फिर उसकी जगह किन्ने ली सरफराज खान ने किसने ली सरफराज खान ने उसकी जगह ली और वो नेक्स्ट रूलर बने मगर उनका रूल को ज़्यादा अच्छा नहीं था और उनने नेगलेक्ट करा एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे, अच्छे से नहीं चला पाए इसलिए उनको वहाँ से उनको हटा दिया गया नेक्स्ट रूलर से फिर उसके बाद फाइनली द ब्रदर ऑफ़ हाजी अहमद अली वर्धन खान ठीक है द डेपूटी गवर्नर ऑफ बंगाल कैप्चर द सीट ऑफ बंगाल इन सेवनटीन फोटी सरफराज खान वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन द बैटल सो अलीवर्धन सिंह ने क्या किया सरफराज खान को एक जो कि पहले अलीवर्धन खान एक डेप्यूटी गवर्नर था तो उसने क्या किया धीरे धीरे देखा कि सरफराज खान कोई काम का नहीं है तो उसकी गद्दी ले हड़पने के लिए सेवनटीन था फोर्टी में उसको हरा के उसको अपने युद्ध में हा मार भी डाला और गद्दी भी हथिया ली ठीक है फिर आगे क्या लिखा है अलीवर्धन खास वास कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन ही डाइड इन सेवनटीन फिफ्टी सिक्स एंड वास सक्सीडेड बाय हिज ग्रैंड सन सिराज उद्दौला ठीक है

कौन सेवनटीन फिक्स फिफ्टी सिक्स में बैटल ऑफ प्लासी के टाइम ठीक है so, सो उन उसके बाद कौन आया सिराजुद्दौला आए उनके बेटे आए ठीक है और जैसे ही उनके बेटे ग्रैंड सर सॉरी ग्रांड सन आए बेटे नहीं आए ग्रांड सन आए सिराजुलद्दौला ठीक है फिर उनके जो फादर ग्रांड फादर के एडमिनिस्ट्रेशन की तरह उनने भी सारे अपने एनिमी को हरा दिया और बहुत पावर को कंसोलिडेट कर लिया मतलब और पावर बढ़ा ली अपनी ठीक है और उनने एक साल से ज़्यादा राज किया ज़्यादा राज नहीं कर पाए छोटा समाज ही राज कर पाए इसके बाद क्योंकि इस समय पे उन वो लोग खुद से भी परेशान थे और अपने अंदर के परिवार से भी परेशान थे और बाहर के लोगों से भी परेशान थे क्योंकि अंग्रेज़ हमला करना चाहते थे और कब्जा करना चाहते थे उनकी एरिया में ठीक है तो इसलिए जब उनने बैटल ऑफ प्लासी भी इसी समय लड़ा गया सेवनटीन में तो उन देखा कि खुद से तो परेशान थे ही वो और उनके अंदर के जो गवर्नर वगैरह थे और डिप्टी गवर्नर थे सेनापति थे उन सब ने इनके खिलाफ साजिश रच के अंग्रेज़ को ये युद्ध बिना लड़े जिता दिया था ठीक है फिर आगे पढ़ते हैं हैदराबाद के बारे में द इंडिपेंडेंस स्टेट ऑफ हैदराबाद इन द डैन वॉज फाउंडेड बाय चिन कुलिच खान हु वॉज मेड गवर्नर फॉर द दिक्स स्टेट ऑफ द दिक्स स्टेट द डैन बाय द एम्पर फुकिया शाह लेटर ही ऑक्यूपाइड द स्टेट हैदराबाद इन सेवनटीन ट्वेंटी फाइव He faced his greatest challenge from the Maratha under the leadership of Peshwa Bajirao I. The Maratha were determined to collect the taxes. They were Choth and Sardesh from the state of Deccan, but the Nizam, as Sin Kulish Khan was properly known, refused to pay them. He tried to divide the Marathas and fought. टू इनकनक्लूसिव वॉर विद डेम सो हैदराबाद के फाउंडर कौन थे सो so, हैदराबाद पहले एक इंडिपेंडेंट स्टेट था डैन के अंदर ठीक है किन ने फाउंड किया था चिन कुलिच खान ने किसने फाउंड किया था चिन कुलिच खान ने चिनिच खान ने फाउंड किया था ठीक है और उनको गवर्नर बना दिया था सिक्स स्टेट्स का डकैन के ठीक है कौन है फुरख शाह ने फुरशियार ने ठीक है so, सो फिर क्या हुआ लेटर ऑन उनने क्या किया उस एक और स्टेट पे हमला किया जो कि हैदराबाद था कब 1725 में ठीक है अब उनको सबसे बड़ा चैलेंज किसने दिया था पेशवा बाजीराव ने दिया ठीक है इस समय में उनको पेशवा बाजीराव ने बहुत चैलेंज दिया और सबसे ज़्यादा इनको परेशान किया ठीक है क्योंकि पेशवा बाजीराव लोग क्या क्या दो तरीके का टैक्स लेते थे लोगों से एक लेते थे चौथ और दूसरा लेते थे सरदेशमुखी ठीक है चौथ मतलब वो जितना भी अनाज होता था वो उसका वन फोर्थ लेते थे, थे। सरदेश मुखी से मतलब ये होता था जो भी लूट होता था उसका भी एक परसेंटेज लेते थे ठीक है सो ये सब उनका मराठा लोगों का तरीका था तो इससे क्या हुआ सब लोग उनको टैक्स भरते थे बट निज़ाम क्योंकि हैदराबाद के जो भी राजा था उनको निज़ाम बोलते थे ठीक है उनका नाम फेमस था निज़ाम करके कौन चिंग खुलिज खान को निज़ाम बोलते थे ठीक है उनने मना कर दिया पे, देने से तो और क्या कोशिश करी इसने कोशिश करी कि मराठाओं को अपन तोड़ के अलग कर देंगे और इन दोनों के बीच में अपन युद्ध करवा देंगे आपस में ही लड़ाई करा देंगे और इन दोनों के बीच में एक युद्ध भी चला दो युद्ध चले जिसका कोई रिजल्ट नहीं आया ठीक है सो so, फिर आगे क्या लिखा है चिन कुलिच खान डाइड इन सेवनटीन फोर्टी एट ही वॉज कंसिडर टू बी द मोस्ट केपेबल रूलर ऑफ द डिन द वन रिस्पांसिबल फॉर लेइंग द फिल्म फाउंडेशन ऑफ द असफ जही डायनेस्टी इन डिन सो असफ जही डायनेस्टी बनाई थी सिन्न कुलिश खान ने जिनकी डेथ कब हुई थी 1748 में ये सबसे एक केपेबल राजा थे डेकन के और इनने फाउंडेशन बनाया था असफ जही जही डायनेस्टी का ठीक है आफ्टर इज डेथ कन्फ्यूजन प्रिवेल्ड इन द रीजन विच वाज फॉलोड बाय द यूजल स्ट्रगल फॉर द थ्रोन बाई दिस टाइम फॉरन पावर लाइक द ब्रिटिश एंड फ्रेंच वक्सटेंडेड दे आर टेक्टिकल टेक्टिकल टेक्निक्स ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर एवर राइडर The interference of the Maratha in the politics of the Deccan and the rise of the state of Mysore under Hyder Ali created further complication for the ruler of Hyderabad. After several wars of succession, Nizam Ali, the fourth son of the first Nizam, finally ascended the throne in 1763, fifteen years after his father's death. He ruled for almost forty years and protected the Deccan from the attack of Maratha and Tipu Sultan of Mysore. So Kyawa. हैदराबाद के टाइम पे क्या हुआ हैदराबाद में लास्ट में क्या हुआ कुलीज ख खा, अली खान डाइड खत्म हो गए उसके बाद उनके अब परिवार में ही युद्ध लड़ाई चलती रही कि कौन आएगा गद्दी पे ठीक है मगर इस टाइम तक बहुत खतरनाक खतरनाक पावर उनके आस पड़ोस में आ चुकी थी जैसे कि इंग्लिश एंड फ्रेंच फोर्सेस और कौन था दो खतरनाक पार्टीज और थी जो कि मराठा थे और टीपू सुल्तान थे जो कि हर कभी इन पर हमला करने पर सोचते रहते थे और इनका सबसे बड़ा दुश्मन थे ठीक है सो लेटर ऑन अब क्या हुआ निज़ाम अली आ, कुछ साल के बाद अंदर ही अंदर लड़ाई चल लड़ते बाद निज़ाम अली जो कि कोई चिन कुलिच अली के फोर्थ सन थे ठीक है चौथे बेटे थे ठीक है उनने 1763 में अपनी गद्दी संभाली कब पंद्रह साल बाद उनके पिताजी के डेथ के पंद्रह साल बाद गद्दी संभाली तब तक क्या चलता रहा अंदर ही भाइयों में लड़ाई वगैरह चलती रही और गद्दी में फिर जाके बैठे कौन निज़ाम अली ठीक है फिर निज़ाम अली चालीस साल तक राज किया और इनने मराठाओं से बहुत बार फाइट करी और टीपू सुल्तान से भी अपने एरिया को प्रोटेक्ट करके रखा रहा फिर आते हैं मैसूर की तरफ ठीक है सो मैसूर वाज अ पार्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर इन द एटीन सेंचुरी द एम्पायर वाज रूल्ड बाय चिका कृष्णराज बट टू ऑफिस मिनिस्टर नाग नाग ननगरा एंड देवराज यू पावर रिड्यूस हिम टू अ मेरा पेपट मैसूर वॉज इन्वॉल्व इन नंबर ऑफ वॉर विथ नेबरिंग स्टेट्स इन विच एंड आर्मी कमांडर नेम्ड हैदर अली एम डज ए सक्सेसफुल सोल्जर इन सेवनटीन सिक्सटी वन आफ्टर द डेथ ऑफ नंग नाजराज ही एस्टाब्लिश अथॉरिटी ओवर द किंगडम एंड बिकम द सुल्तान सो मैसूर जो था ये किसके अंडर था पहले विजयनगर एम्पायर के अंडर था एटीन सेंचुरी में इसको रूल कौन करता था चिका किंग चिका कृष्ण राज रूल करते थे मगर इनके जो बहुत दो सबसे इम्पोर्टेंट मंत्री थे जिनका नाम था नागराज और देवराज इनने क्या किया पूरे कब्जा कर लिया पावर पे और राजा को एक पपेट बना दिया पपेट मतलब कठपुतली की तरह यूज़ करने लगे और इन्हें बहुत ही आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करी और इनके पास एक बहुत ही फ़ेमस कमांडर था बहुत इंपॉर्टेंट कमांडर था बहुत एबल्ड था और बहुत जाबास कह सकते हो आप तो उसका नाम था हैदर अली ठीक है सो सेवनटीन में इन एक नागराज के डेथ के बाद इसने क्या किया हैदर अली इतना एक्सपर्ट था वॉर्स वगैरह में कि उसने अपना एक राज भी बना दिया 1761 में उसने जब नागराज की डेथ हुई इसने अथॉरिटी ले ली किंगडम के ऊपर और अपने आप को राजा घोषित कर दिया सुल्तान घोषित कर दिया इसलिए अपन क्या बोलते हैं टीपू सुल्तान ठीक है फिर कौन आया ही प्रूव टू बी आगे पढ़ते हैं अब टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ रहे हैं ही प्रूव टू बी वेरी एबल रूलर ही री ऑर्गेनाइज द माइसूर आर्मी एंड ट्रेंड इट ऑन यूरोपियन लाइन इन अ शॉर्ट टाइम हैदराबाद हैदर अलीज़ पावर पावरफुल आर्मी मेड माइसूर अ स्टेट ऑफ विद स्टेट टू भीड विद द टेरिटरी ऑफ मायसूर बट ही हैड टू कंटेंट विद द मराठा एंड द निज़ाम विच एक्स एक्सपेंडेड हिज किंगडम इन डे कैन ही वाज सक्सीडेड बाई हिज सन टीपू सुल्तान सो क्या हुआ आ, जो कि हैदर अली थे हैदर अली बहुत ही एबल रूलर थे ठीक है so, सो मायसूर में इनकी ने अपने अपने आर्मी को जब रूल किया तो इनने क्या कि अपने और, किया अपने आर्मी को फिर से रीआर्गेनाइज़ करा यूरोपियन जो भी यूरोपियन थे जैसे फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के लाइन पर उनको ट्रेन किया अपने आर्मी को ठीक है और इनकी आर्मी बहुत पावरफुल थी कि नाम से जानती जाती थी, थी हैदर अली की आर्मी आ रही है ठीक है और इनने अपना साम्राज्य आगे पीछे सब जगह बढ़ाया बट इनको बहुत जगह मार मिली कहाँ से मराठाओं से और निज़ामों से जो कि आपने पढ़ा निज़ाम थे हैदराबाद में और मराठा लोगों से इनको बहुत इनको दिक्कतें हुई फिर इनकी डेथ हुई उसके बाद इसको किसने सक्सीड करा टीपू सुल्तान ने टीपू सुल्तान ने ठीक है इसको सक्सीड करा टीपू सुल्तान ने सक्सीड करा अब टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं सो so, टीपू सुल्तान वाज सेटीन एटी टू टूनटी वाज बॉन्ड फाइटर लाइक हिज फादर नॉट अड बट नॉट अ गुड डिप्लोमेट अंट्रोड्यूस मेनी रिफॉर्म्स टू वेस्टर्नाइज हिस आर्मी एंड बिल्ड अ मॉडर्न नेवी सेंट ट्रेड मिशन टू मेनी कंट्री वेस्ट एशिया एंड यूरोप ही इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म कॉइनेज सिस्टम

बहुत अच्छा रूल किया बट वो अपने फादर की तरह अच्छे फाइटर थे मगर अच्छे डिप्लोमेट नहीं थे ठीक है जो अपने राज्य को अच्छी जगह से लड़के जीत सकते थे मगर अपने राज को दूसरी जगह जाके प्रमोट नहीं कर पाते थे और दूसरी जगह से मदद की सहायता की गुजारिश नहीं कर सकते थे ठीक है दूसरी जगह से मदद नहीं मांग सकते थे ठीक है और बड़े विजनरी थे इनको वेस्टर्न तरीके से अपने आर्मी को इनको मॉडर्न आर्मी बनाना पसंद था नेवी बनाना पसंद था इनने अलग अलग ट्रेड मिशंस भेजे दूसरी दूसरी कंट्रीज़ में और एक जैसा कॉइनेज सिस्टम रखा अपने एरिया में और नया कैलेंडर भी लेके आया उस जमाने में ठीक है साइंटिफिक आदमी थे टीपू सुल्तान उनने गन पाउडर की खोज करी थी और किसकी खोज करी थी आप सोचो उस ज़माने में रॉकेट वगैरह की भी खोज इन लोगों ने करी थी ठीक है सो इस टाइम पर इनके स्टेट में बड़ा इंप्रूवमेंट आया और इनकी आर्मी भी बहुत ही एबल थी फिर क्या हुआ इनकी इकनॉमी भी बहुत अच्छी थी इकनॉमी मतलब इनके पैसे वगैरह भी इस साम्राज्य के पास बहुत थे मगर टीपू सुल्तान के टाइम पे क्या हुआ था इनके फादर ने भी अंग्रेजों से दो तीन वॉर लड़ी थी जो कि उसमें से जीते थे तो अपन उस वॉर को क्या कहते हैं एंग्लो मैसूर वॉर ठीक है एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी और एक हुई थी आ, ऐसे चार वॉर हुई थी ठीक है सो तो उनके फादर लड़े और लड़ते लड़ते ख़त्म हो गए मगर बहुत दो वॉर वो जीते थे एक हारे और दूसरे में और आखिरी का जो वॉर था उसमें टोटली ख़त्म हो गए और वो आखिरी वॉर कब था 1799 में जिसके साथ टीपू सुल्तान की भी डेथ हो गई ठीक है सो इसके साथ मैसूर साम्राज्य भी खत्म हो गया फिर क्या लिखा अपने यहाँ पे इकोनॉमिकल कंडीशन सो so, अपन इस समय के इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में पढ़ रहे थे तो इस समय के इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द बल्क ऑफ द तो पॉपुलेशन While land revenue was the main income for the state, in the absence of the uniform taxation system, the peasant were made to pay heavy taxes. But in the event of a natural calamity, they could not expect any relief or clemency from the state. The method of cultivation remained much as they had been for centuries, and neither the state nor the peasant टू कैन ई इनिशिएटिव टू इंट्रोड्यूस एग्रीकल्चर इनोवेशन इन स्टेट सच इज बंगाल एंड अवर हाउ एवर प्रोग्रेसिव रूलर इंट्रोड्यूस सम मेजर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पीसेंट्री सो एग्रीकल्चर इस ज़माने का सबसे इंपॉर्टेंट जो भी लाइवलीड था मतलब लोगों का गुजारा किससे करते थे एग्रीकल्चर से होता था यहाँ पर लैंड रेवन्यू वगैरह जो जमीन से आने वाली आय वगैरह थी ये सब सबसे बड़ा इनकम था किसके लिए गवर्नमेंट के लिए उस ज़माने में जो राज करते थे उनके लिए सबसे ज़्यादा कहाँ से इनकम आती थी क्योंकि ये लोग टैक्सेस लेते थे हर किसान से किसी कोई टैक्स लेता था कि आधा ले लेता था कोई बोलता था एक बाय दस दे दो वन बाई टेंथ दे दो कुछ कहता था आधा दे दो कुछ कहते थे वन बाय फोर्थ दे दो ऐसे ऐसे करके ये लोग सब लोग अलग अलग टैक्स लेते थे जैसे मराठाओं के लिए वो पड़ा तो उन बोला चौथ लेते थे वो लोग चौथ मतलब वन बाय फोर्थ लेते थे ठीक है अपना किस, किसानों से सो so, ऐसे ही ये लोग क्या करते थे बड़े परेशान भी करते थे क्योंकि इस समय कोई यूनिवर्सल टैक्सेशन सिस्टम नहीं होता था गरीब किसान के उधार ले लेके अपना टैक्स भरता था नुकसान हो गया तो भी वो लोग मदद नहीं करते थे गवर्नमेंट यदि किसान पा पानी की कमी आ गई सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई तो भी वो लोग टैक्स में कोई कमी नहीं रखते थे टैक्स इतना ही आता था आपको टैक्स भरना कंपलसरी रहता था तो कोई भी वो लोग उनको मदद नहीं करते थे उस ज़माने में ठीक है और कल्टिवेशन भी ईजी रहता था कि एक तरीके की फसल लगाते थे हमेशा और कुछ ज़्यादा उसमें चेंजेस देखने को नहीं मिला और थोड़े थोड़े इनोवेशन ही आए ज़्यादा कुछ इनोवेशन नहीं आए ठीक है बंगाल और अवध में मगर सबसे थोड़ा सा चेंज देखने को मिला यहाँ पे जो राजा लोग थे इनमें पीसेंट जो कहते हैं पीसेंट मतलब किसान लोग ठीक है किसान और गरीब लोग की बात करते हैं तो उन लोगों की थोड़ी मदद करी थी अलग अलग जगह पर ठीक है so, फिर ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में पढ़ते हैं ट्रेड वाज द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल एक्टिविटी इन द एटीन सेंचुरी यूरोपियन ट्रेडर्स हैड एस्टैब्लिश ट्रेडिंग आउटपुट्स अलॉन्ग द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया द रूलर ऑफ इंडियन स्टेट डिड नथिंग टू डिस्करेज द फ्रेंच एंड इंग्लिश ट्रेडर हु फॉर्म द बल्क ऑफ दिस कम्युनिटी सिंस फॉरन ट्रेड रिच रेवेन्यू टू द स्टेट कॉटन टेक्सटाइल स्पाइसिस रॉ सिल्क एंड ओपियम वेयर द मेन आइटम फॉर एक्सपोर्ट सो इस जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल एक्टिविटी हुई थी कब एटीन सेंचुरी में ठीक है एटीन सेंचुरी में बहुत इकोनॉमिकल एक्टिविटी हुई थी यूरोपियन ट्रेडर वगैरह इंडिया में आ गए थे और अपनी यहाँ से चीज़ें भर भर के बाहर लेके जा रहे थे ठीक है अब क्या बोलते हैं इन जो भी रूलर थे इंडिया के इनने भी कुछ नहीं करा कि इन ट्रेडरों को रोकने के लिए और धीरे धीरे इन लोगों ने यहाँ पे अपने पैर जमा लिए और यहाँ पे राज करने लगे ठीक है और ये लोग क्या ज़्यादा लेके जाते थे कॉटन ले जाते थे स्पाइसेस ले जाते थे रॉ सिल्क ले जाते थे ओपियम ले जाते थे और इन सब चीज़ों को यहाँ से ले जाते थे और वहाँ अपने देश में और महंगे दामों में बेचते थे ठीक है अज द मुगल एम्पायर डिक्लाइन, द सेंटर ऑफ द ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शिफ्टेड डिसीसिवली टू द न्यू पोलिटिकल सेंटर मीन लाइट द रूरल इकनॉमिकल वर्सन ड्यू टू फ्रीक्वेंट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश हैज दिस प्रोसेस एंडस्टेटेड द कंट्रीज एक्नॉमी बाई Their ruthless policy of unequal competition, supported by the political domination. So डोमिनेशन सो जो आ, मुगल अम्पायर जैसे जैसे कम होता गया वैसे वैसे इनका ट्रेड भी बढ़ता गया और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी धीरे धीरे बढ़ती गई ठीक है अब ये लोग पहले ट्रेड करने आए थे कौन यूरोपियन अब धीरे धीरे लोग पॉलिटिक्स में भी घुसने लगे अपने देश के ठीक है अब यहाँ पर मगर क्या हुआ जो रूरल जो गरीब और जो गाँव का आदमी था जो पिछड़े जगह पर रहता था उसकी हालत ख़राब करने लगे ठीक है यहाँ पे ये लोग आके इनके अलग अलग जगह वजह से जो पहले गांव वगैरह थे ये बहुत समृद्ध थे तो ये लोग आने के बाद इनको इनने बहुत परेशान किया और उनकी हालत सबसे ज़्यादा परेशान हुई अब ब्रिटिश के आने से ये चीज़ें और भी बुरी होने लगी और कंपनी की जो कंट्री की हालत थी वो और ख़राब हुई दिन पे दिन इन लोगों ने यहाँ का अपने देशों से अपने देशों को बढ़ावा देने के लिए जो कि इंडिया पहले बहुत सारे टेक्सटाइल में आगे था और अलग अलग चीज़ों के बनावट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था धीरे धीरे करके उन्हें इंडिया में ये सब बिजनेस बंद कर दिया और वहाँ से ला चीज़ें इंडिया में बेचने लगे और उससे देश की पूरी इकनॉमी ख़राब हो गई ठीक है सो आज के साथ इसके साथ पूरा चैप्टर ख़त्म होता है आपको ये टाइम पूरी याद करनी है और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि औरंगजेब की डेथ कब हुई थी और मैसूर वॉर कब हुआ था और टीपू सुल्तान की डेथ कब हुई थी माहर अली की डेथ कब हुई थी सबसे इम्पॉर्टेंट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था थर्ड कब हुआ था फर्स्ट कब हुआ था सेकंड कब हुआ था और आपको ये पॉइंट्स टू रिमेंबर एक बार पढ़ोगे तो एक तरीके से पूरा चैप्टर आपको फिर से याद आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो में हमें इसका अपन इसका एक्सरसाइज करेंगे और तब तक आपको इसको फिर से रीड करना है इसकी टाइम याद करनी है पूरी और इसके पॉइंट्स टू रिमेंबर को भी देखना है और कोई भी डाउट हो तो ग्रुप में पूछ लें थैंक यू